आप लोग भी आ जाएं। डॉक्टर चरण सिंह जी, सुशील सहारनपुर से, सुशील जी सहारनपुर से, ठीक आइए सर, आगे आ जाइए प्लीज, सब लोग आगे आ जाएं। डॉक्टर चरण सिंह जी, आप इन सभी का सम्मान करेंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। दर्शक लोग तालियां की, समाज में बहुत सारे जागरूक लोग हो गए। पूनम बहुत जी, आपसे मेरा अनुरोध है, आप ही हो गया वो हट जाइए जी, आइए प्लीज। इतने लोग बना रहे हैं, कौन दे देगा इनको, कोई देगा? क्यों नहीं देंगे, चैनल वाले नहीं देंगे, दे लो चैनल पे। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, परम पूज्य बहुत ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी को, अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए, आज डॉक्टर अम्बेडकर भवन की पावन धरती के ऊपर एक भव्य कार्यक्रम बहुजन समाजवादी मंच द्वारा मान्यवर बालक राम बोध जी और उनकी टीम द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन एक पीस मन में हमेशा रहती है कि आज कम से कम, मुझे एक पत्रकार महोदय बता रहे थे अभी, 10 लाख संगठन हमारे गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हैं, सेंट्रल वाइज भी और स्टेट वाइज भी, और बहुत सारे संगठन रोज अनरजिस्टर्ड भी हैं जो मोहल्ले गांव और शहर स्तर पर बनते रहते हैं रोज की। लेकिन अगर हम इनकी स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो साथियों बड़ा दुख होता है इनकी दशा और दिशा देख करके, एक कन्फ्यूजन की स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बहुत बड़ा क्रिएट हमारे समाज में हो गया है, एक बिखराव, एक अजीब तरह का एक माहौल बन गया है, हर आदमी राजनीति करना चाहता है। लेकिन मेरी सब इस मंच के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति करें, जो समाज कार्य कर समाज करें, धर्म का काम धर्म का करें, बोल मोल ना करें, स्पष्ट रखें अपने विचारों को, अपना एजेंडा क्लियर करें, अपना एजेंडा क्लियर करके समाज में दें, भाई ये मेरा काम है, मैं इस दिशा में काम करूंगा, ये मेरा इससे आगे काम करने का मैं सहयोग दें, तो बहुत सारी बातें दुख की हो जाती हैं। तो बाबा साहब ने ये कहा था, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, लेकिन ये भी कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी उस समाज की राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो साथियों आज हम बहुत सारी बातें कहते हैं, दूसरे ये दुश्मन है हमारा, वो दुश्मन है हमारा, अरे हम क्या कर रहे हैं भाई, हमारी जिम्मेदारी बनती नहीं बनती। तो अब वो लोग 6 बजे उनकी सैकड़ों क्लासेज लग जाती हैं, सैकड़ों शाखाएं लग जाती हैं, और हम 10 बजे सो के उठते हैं और उनको ललकारते हैं, बेकार की बातें करते हैं, यूज़लेस बात करते हैं। तो मेरा इतना कहना है, बाबा साहब ने ये भी कहा था कि अवर प्रोफेशनल मस्ट नो देयर प्रोफिशेंसी, अवर डॉक्टर्स मस्ट नो देयर प्रोफिशेंसी, अवर एडवोकेट्स मस्ट नो देयर प्रोफिशेंसी, अवर प्रोफेशनल्स मस्ट नो देयर प्रोफिशेंसी। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर को डॉक्टरी आनी चाहिए, वकील को वकालत आनी चाहिए, अधिकारी को अधिकारी का सारे अधिकार पता रहना चाहिए। तो जब तक हमारे ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और सबका सहयोग लेके चलें, लेकिन अपने अपना एजेंडा क्लियर करके चलें, राजनीतिक लोग राजनीति करें और सभी पार्टी, मेरा तो ये कहना है देखो कि हर पार्टी में हमारे लोग रहने चाहिए, आप लेवल मत लगाओ किसी पार्टी का भी, लेवल लगोगे तो देखा पीछे क्या हाल हुआ है, पूरे समाज का कोई विश्वास नहीं करता, राजनीति समाज खत्म हो चुकी है। तो सभी पार्टी में रहो और अपने मिशन को कायम रखो और ग्रास रूट लेवल पर काम करो, ऊपर ऊपर काम करने में कुछ होने वाला नहीं है, कैटराइज करो समाज को, पहले खुद कैटराइज हो जाओ, फिर कैटराइज 10 लोग करो, गाँव स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर, गली स्तर पर लोगों को कैटराइज करो, तब हमारी बात बनेगी। इसी के साथ नमो होता है, जय भीम।